सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्व लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। अब इसके बीच में हम यहाँ पर एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको जाना है इंसर्ट पे। ये देखिए, इंसर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है शेप्स का, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये रहा देखिए कर्व लाइन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा हमें ध्यान से क्या करना है। ठीक है, ये आपको किसी और वीडियो में शायद नहीं मतलब बताया गया होगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। कर्व लाइन ड्रॉ करने में एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ये प्लस साइन देखिए हमने यहां से शुरू किया है कॉर्नर से, दोनों लाइन के कॉर्नर से, और इसको उठा करके एकदम सीधा जहां तक आपको कर्व बनाना है वहां तक आपको मतलब इसको ड्रॉ करना है। अभी फिंगर नहीं उठाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक ड्रॉ किया तो हमने फिंगर अभी नहीं उठाया है। ठीक है, अब आपको बस एक बार क्लिक करना है और फिंगर रोक लेना है। ये शायद ही आपने कहीं और किसी और वीडियो में देखा होगा, मतलब हमें स्टार्टिंग लाइन से ये लाइन यहाँ तक लानी है, उसके बाद एक मतलब क्लिक करके फिंगर रोक देना है, फिंगर उठाना नहीं है, यानी कि डबल क्लिक नहीं करना है, बस उसके बाद हमें इसको नीचे घुमा देना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल, क्योंकि अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगल एक बार हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिंगर नहीं उठाना, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिंगर नहीं उठाना, उसके बाद जहां पर आपको मोड़ना हो, यहाँ मोड़ना हो, यहाँ मोड़ना हो, कहीं भी मोड़ना हो वहां तक आप इसको मोड़ दीजिए, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए बस, और ये कर्व लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। अगर आपको आगे भी कर्व लाइन बनानी है तो उसी तरीके से एक बार क्लिक करके फिंगर वहीं रोक दीजिए, उसके बाद फिर ऊपर ले जाइए, फिर घुमा दीजिए, फिर जहां तक जितनी बार भी आपको ये करना है उतनी बार आपको बस एक सिंपल क्लिक करना है और कर्व लाइन ड्रॉ करते चले जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।